जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान सदर अस्पताल परिसर में एक महिला स्वास्थ्य कर्मी से छेड़छाड़ करने का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। वहीं इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक महिला कर्मी फोन पर बात कर रही थी, इस दौरान पीछे से एक युवक आता है और घटना को अंजाम देते हुए छेड़छाड़ करता है। महिला स्वास्थ्य कर्मी ने जमुई थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं युवती ने बताया कि 2015 से चतुर्थ वर्गीय कर्मी में सदर अस्पताल में कार्यरत है और पिछले 7-8 साल में इस तरह की कोई घटना उसके साथ नहीं हुई है। युवती ने बताया कि शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे एक परिचित का कॉल आया था, तो वह बात करने के लिए निकल गई थी और फोन पर बात करने के दौरान दीवार फांदकर एक युवक आता है और घटना को अंजाम देते हुए गलत हरकत करने की कोशिश करता है। वहीं जमुई SDPO डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है और पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगी। वहीं पुलिस ने बताया कि महिला कर्मी इस टाइम सुरक्षित है और वहीं पहचान के तौर पर उसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।